नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोमोपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि आज रविवार है और आप जानते हैं कि आज हम आपके सवालों को लेकर के आपके बीच हाजिर हैं, तो सवालों की तो बड़ी लंबी लिस्ट आज हमारे पास है और आप सबके सवालों का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आज से हम इन सवालों में भी एक अलग से श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। हम आज से आपके सवालों के बीच जो सबसे अच्छे सवाल होंगे उनको सबसे पहले उठाएंगे और हम ये बताएंगे भी कि आज के सवालों में सबसे अच्छा सवाल किसका था। और हम लगातार अच्छे सवाल करने वालों को अपने हर वर्ष के 11 जनवरी पर अपनी तरफ से एक प्रशस्त पत्र आपको डाक द्वारा भेजेंगे। अच्छे सवालों जिसके अच्छे सवाल हम कहेंगे, हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपने पते हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर दे दें। तो इससे पहले कि हम अपना ये कार्यक्रम आरंभ करें, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताते हैं 9793252355। और आज के सवालों में हम अच्छा और बुरा तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारे एक युद्धवीर कालसोत्रा जी हैं, इन्होंने एक बड़ा अजीब लेकिन बहुत स्पष्ट सवाल किया है। और आज के इस सवालों की श्रृंखला में युद्धवीर जी का सवाल हम सबसे पहले अच्छे सवालों के क्रम में ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जितने भी लोग हैं वो हर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर क्यों समझता है। ये सवाल इन्होंने, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने सवाल मुझसे किया या आम इलेक्ट्रोहोमोपैथ से किया या आम समाज से किया, लेकिन सवाल का उत्तर देना मैं जरूरी समझता हूं और सबसे अच्छे सवालों की श्रेणी में मैं इसको गिनता भी हूं। युद्धवीर जी, दरअसल इलेक्ट्रोहोमोपैथी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है और अभी इसमें होड़ लगी है कि कौन कितना आगे। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है प्रस्तुत करने का, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है रोग से लड़ने का, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है दवा बनाने का। अभी न इसका कोई सटीक सिद्धांत अप्रूव्ड है, अभी न इसका कोई सटीक तरीका अप्रूव्ड है। बस इलेक्ट्रोहोमोपैथी में चलती का नाम गाड़ी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं इसको कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अभी भी चलती का नाम गाड़ी है। तो चलती का नाम गाड़ी में जो सबसे पहले कूद के चढ़ जाता है वो अपने आप को ड्राइवर समझ लेता है और उसके पीछे जो बैठे हैं वो पैसेंजर हो जाते हैं। और कभी कभी चलती ट्रेन में ड्राइवर अगर फेल हो गया तो कूद के दूसरा ड्राइवर बैठ जाता है, फिर वो ड्राइवर बन जाता है। और ये परंपरा पिछले 70 वर्षों से भारत के आजादी के बाद से आज तक चलती रही है। यानी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अभी भी लोग सही जवाब देने से कतराते हैं, सही बातों को बताने से कतराते हैं, बस अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका ये इशारा मेरी ओर है तो ना तो मैं सुपीरियर हूं ना मैं इन्फीरियर हूं, मैं एक इलेक्ट्रोहोमोपैथ का सेवादार हूं, सच्चा सेवक हूं जो 37 वर्षों से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपनी सेवा दे रहा हूं। हालांकि मैं अगर ये सेवा ना भी करता तो मेरे पास, मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरे पास खाने जीने के लिए ईश्वर ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कर रखी हैं, लेकिन सेवा भाव से मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को कभी छोड़ा नहीं। जब से अपनाया तब से मैं लगातार इसके साथ बना हूं। लोग यहां तक कहते हैं कि दो नावों पर सवारी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने समाज के सामने ये एक उदाहरण पेश किया कि अगर आप मन से किसी कार्य के साथ जुटे हों तो आप हर तरफ अपनी कार्य क्षमता को दर्शा सकते हैं। मैं एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी हुआ। ये ठीक मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर से मुझे एक अच्छे प्रिंसिपल और अच्छे समाजसेवी, एक अच्छे चिकित्सक के रूप में ये प्रमाण पत्र मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। और बाकी आप जितने देख रहे हैं, ये लाइफ टाइम अवार्ड जो हमको पीछे आप देख रहे हैं, ये सब ये राजस्थान सरकार के द्वारा, ये जयपुर, ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा, जहां वहां के लोग स्थानीय जिस तरीके का आयोजन वो करते हैं उस आयोजन में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मिले हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सुपीरियर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं एक सच्चा इलेक्ट्रोहोमोपैथ हूं और समाज की सेवा कर रहा हूं। हमारा तरीका, हमारा शोध करने का तरीका एक वैज्ञानिक तरीके से, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैं MSc जूलॉजी था और PhD भी मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने PhD कंप्लीट नहीं किया। अपनी सर्विस में आने के बाद मैं प्रिंसिपल हो गया,
तो ये अलग परिस्थितियां थी। लेकिन चूंकि मेरा दिमाग विज्ञान का था, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी था, तो मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा, समझा और जाना। और जब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर रमाशंकर जी वास्तव में इलेक्ट्रोहोमोपैथ के एक सच्चे अनुयायी हैं और उनसे कुछ सीखा जा सकता है। बस मैंने उनका संरक्षण लिया और उनके संरक्षण में मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को नए तरीके से, नए शोध के साथ सीखा, समझा और 37 वर्ष तक अपने साथ अपनाया। और 37 वर्षों के बाद मैंने इसको लोगों को बताना शुरू किया। अब इसको आप अपनी परिभाषा में सुपीरियरिटी कह लें या इन्फीरियरिटी कह लें या ये कह लें कि मैं देश के भटके हुए इलेक्ट्रोहोमोपैथ को अब और अधिक भटकाना नहीं चाहता, मैं उनके बीच में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के यथार्थ को लाना चाहता हूं। सिर्फ एक उदाहरण यथार्थ के रूप में, लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। मान लिया इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, लेकिन क्यों देती हैं इसकी अलग अलग परिभाषाएं लोग बताते हैं। कोई कहता है ये ऑड फोर्स है, कोई कहता है ये बायो एनर्जी है, कोई कहता है कि ये पौधों की सीधे आने वाली हमारी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। लेकिन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इन सारी बातों को नकारा है। और नकारा इसलिए नहीं कि मैं अपनी सुपीरियरिटी तय कर रहा हूं, नकारा इसलिए है कि ऑड फोर्स की थियोरी 2300 वर्ष पुरानी है जिसको विज्ञान ने मान्यता नहीं दिया, यानी ऑड फोर्स की मान्यता विज्ञान नहीं देता है किसी भी स्तर पर। आदिशक्ति, जिसको ऑड फोर्स आप आदिशक्ति कहते हैं शास्त्रों के आधार पर, लेकिन विज्ञान ने उनको मान्यता नहीं दिया। इस नाते हमने भी उस पर चिंतन मनन किया, लेकिन हमको ऑड फोर्स की थियोरी इन औषधियों के रूप में शरीर में आने पर दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि ये प्रमाणित नहीं होता। जो बायो एनर्जी कहते हैं, ये बायो एनर्जी कहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा फोटॉन के रूप में, ये बायो एनर्जी को ये कहते हैं कि जो पौधों में एक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आके हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा देती है और हमको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। लेकिन उस बायो एनर्जी को परिणाम के रूप में अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। तो बायो एनर्जी का जो डेफिनेशन है कि पौधों की ऊर्जा को हम अपने औषधियों के रूप में प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे शरीर पर ये किस तरह कार्य करती हैं, इसका विश्लेषण हमारे साथी लोग नहीं दे पा रहे हैं। वो बायो एनर्जी बताते जरूर हैं, लेकिन बायो एनर्जी का जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अब जब कभी मंच पर बायो एनर्जी की चर्चा हो तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन दूं, अपना एक्सप्लेनेशन दे, आज यहां पे एक्सप्लेनेशन देने की बात नहीं, मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। और मैंने न तो ऑड फोर्स माना न बायो एनर्जी माना, मैंने माना कि ये औषधियां एंजाइम्स हैं, पौध की एंजाइम्स हैं, जो हमारे बॉडी के जिन एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिन एंजाइम्स की कमी होने लगती है, हम औषधि के रूप में पौधों के एंजाइम्स को अपने शरीर के एंजाइम्स पर पहुंचा देते हैं। और हम ये क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं और पौधों की कोशिकाएं, हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और पौधों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में लगभग समानता है, और उनके एंजाइम्स और हमारे एंजाइम्स लगभग समान हैं। हमारे शरीर के जिस अंग में, जिस अंग की कोशिका में एंजाइम्स की कमी होती है, हम जब चुनाव करते हैं तो उन औषधियों को एंजाइम्स के रूप में पहुंचा देते हैं। अब बहुत से साथी ये सवाल करते हैं कि एंजाइम्स कई प्रकार के होते हैं। एंजाइम्स कई प्रकार के होते हैं, एंजाइम्स की ये कोई जरूरी नहीं कि एक पौधे में सारे एंजाइम्स पाए जाते हों या एक कोशिका में सारे एंजाइम्स पाए जाते हों। इसीलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विभिन्न पौधों का समावेश किया जाता है कि विभिन्न पौधों से एंजाइम्स को मिला करके उसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए, जितने मिलीग्राम या माइक्रो मिलीग्राम होनी चाहिए, हम विभिन्न पौधों से एकत्र करके उस एंजाइम्स को कलेक्ट करते हैं, साथ ही हम कई पौधों का मिश्रण मिलाते हैं। आज तक हमको किसी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विद्वान ने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों में इतने पौधे क्यों मिलाते हैं। सब लोग नए नए फार्मूले बताते हैं, इतने पार्ट, फिर एल्कोहल ये मिलाना वो मिलाना और तरह तरह के फार्मूले देते हैं। तो युद्धवीर जी, आप इस बात को समझ लें कि मैं जो अपनी बात कह रहा हूं कि एंजाइम्स ही हैं, और ये क्या है, पौधों के कोशिकाओं के एंडो एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम्स नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक्सो एंजाइम्स को हम लैब में प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन एंडो एंजाइम्स को हम लैब में ना तो बना सकते हैं ना प्रमाणित कर सकते हैं। इसीलिए हमारी दवाओं का किसी भी लैब में कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनालिसिस पर इसमें कुछ मिलता नहीं है। केवल हमारे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी और इन मेडिसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैचिंग दिखाता है, और उसी मैचिंग से हमारे शरीर में ये काम करती है। इससे ज्यादा फिलहाल इस कार्यक्रम में, सवाल और जवाब के कार्यक्रम में, मैं आपको नहीं समझा सकता। अब इस एक्सप्लेनेशन को आप
डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की सुपीरियरिटी मान लें या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की इन्फीरियरिटी मान लें या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का एक्सप्लेन करने का तरीका मान लें, बस इतना ही। अब लोग क्या समझते हैं, अपने आप को क्या बताते हैं, ये तो आप जैसे श्रोताओं को जज करना होगा ना। सवाल आपने किया है तो उत्तर भी आपको तलाशना होगा, मैंने तो सिर्फ एक इशारा आपको दिया है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं, वैज्ञानिक गोष्ठी का नाम दिया जाता है और वहां ढाक के तीन पात होते हैं। लोग आते हैं, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने ये रोग ठीक कर दिया, मैंने ये, वो प्रोजेक्टर पर दिखा देते हैं, मैंने ये दवाई दे दी। और अभी कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले ही फेसबुक पर पथरी निकालने के बड़े बड़े डायग्राम भेजे जा रहे हैं। जब मैंने पूछा कि यूरेथ्रा का व्यास कितना होता है, पेशाब की नली का व्यास कितना होता है, जितने बड़े बड़े पत्थर आप दिखा रहे हो फोटोग्राफ पे, तो उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं इलेक्ट्रोहोमोपैथी क्या होता है। हमारे एक डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी थे दिल्ली के, उन्होंने लिखा कि मैं 21 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपको क्या पता कि पथरी कैसे निकाली जाती है। तो फिर यही तो बात है कि यूरेथ्रा के व्यास को का डिजाइन उन्हें नहीं पता कि यूरेथ्रा का व्यास कितना होता है, पेशाब की नली जिससे पेशाब निकलती है उसका व्यास क्या होता है, उस व्यास को वो नहीं जान रहे हैं और वो बड़ी बड़ी पथरियों के डायग्राम को सच साबित कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर जा करके जिस ऑर्गन में पथरी होती है उसको गलाती है, गलाने का मतलब उसको तोड़ती है क्रिस्टल के रूप में, और क्रिस्टल के रूप में वो शरीर के बाहर निकलता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियां अगर ये दावा करती हैं कि वो पत्थर को पत्थर के रूप में निकालते हैं तो भाई हो सकता है वो करते हो, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोहोमोपैथ होने के नाते इलेक्ट्रोहोमोपैथी की अगर विशुद्ध औषधियां आप दे रहे हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में उस पथरी को निकालती हैं, न कि उसके पत्थर को, बड़े बड़े पत्थर जो आप फोटो खींच करके भेज देते हैं कि मैंने अपने क्लिनिक पे इतने बड़े बड़े पत्थर निकाले और रोगियों की आप अपनी तरफ करते हैं। 110% डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इस बात का दावा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां पथरी को गला करके क्रिस्टल के रूप में बाहर निकालती हैं। और अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं पत्थर को पत्थर के रूप में निकालता हूं तो स्वाभाविक है कि आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की कोई बैसाखी आप ले रहे हैं जिसके सहारे आप चल रहे हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पे अपने नेम एंड फेम को आप कमाना चाहते हैं। बस इतना था, इसके आगे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। तो आज के इन सवाल और जवाब में युधवीर जी आपके इस सवाल का स्वागत था। हालांकि आपके सवाल का ब्रिज भट्टाचार्य जी ने जवाब भी दिया था नीचे, और उन्होंने लिखा था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसको लोगों को समझना चाहिए। विजय भट्टाचार्य जी आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इस सवाल का जवाब संक्षिप्त में दिया लेकिन पूरा दिया। आपके इस कथन में कि लोग समझे मुझे, इतना ही काफी है। तो आइए, लगभग 12 मिनट युधवीर जी के सवालों का जवाब देने मुझे लग गया, और ये चूंकि प्रसंग ऐसा था कि चूंकि पहला सवाल उठाना था और आपका सबसे अच्छा सवाल उठाना था, इस नाते मुझे इसमें समय लगा। अब आइए हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है डॉक्टर अमित कुमार का। इन्होंने लिखा है कि सर, जो आप फ्री क्लास देते हैं रात में 10 बजे, वो इतना अच्छा होता है कि हमारे जो 1500 रुपये का क्लास हम लोग ज्वाइन कर रहे थे उस क्लास से हमको कुछ नहीं मिला, और आपके फ्री क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथ बन गए और हम लोग जो भटके भूले थे वो अपने सही मार्ग पे आ गए। तो अमित कुमार जी, अगर आपने मेरे इस क्लास को पसंद किया, आप जैसे अनेक साथियों ने पसंद किया, तो मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेरी शुभकामनाओं से अपने चिकित्सा पद्धति में 4 चांद लगाते रहें। जयंत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि एमपी की यात्रा में जब आप उज्जैन गए थे तो आपने कौन सी दवा का प्रयोग किया था और आपने अपने साथियों को कौन सी दवा दी थी। जयंत भट्टाचार्य जी, मैं आमतौर से अपने साथ L2, L3 और CNA से 3 शीशियां लेके चलता हूं, और 1 शीशी में मैं S1, C1 और WE मिला करके अलग से रख लेता हूं। यही मेरी 4 शीशियां चलती हैं जो रास्ते के हर रोग को लगभग नियंत्रित कर देती हैं। यात्रा की थकान, यात्रा का सुखद आनंद अगर आपको लेना है तो इन 4 शीशियों को सदैव अपने साथ रखिए। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये आप अच्छी तरह समझते हैं, इस पर व्याख्या करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। हमारे लुधियाना से राय साहब जी लिखते हैं, हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, उम्र में तो मुझसे बहुत ज्यादा हैं लेकिन मुझे अपने गुरु का सम्मान देते हैं तो मैं इनको शिष्य ही मानूंगा, और गुरु और शिष्य में उम्र की सीमा, जात का बंधन, धर्म का बंधन ये नहीं होता है। राय साहब जी कह रहे हैं कि सर, आजकल बुखार खांसी का सीजन चल रहा है और बुखार खांसी में बुखार टेम्परेचर 103-104 से ऊपर जा रहा है, तो आप इसके लिए बताएं। राय साहब जी, बुखार में हमारे यहाँ जो पेट मेडिसिन है वो F1, Ven1,
WE और C1 है, क्योंकि हम सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाइपोथैलेमस कैविटी में जो थर्मोस्टेट होता है उसको रेगुलेट करने की दवा देते हैं। और अगर वायरल फीवर में होता क्या है कि चूंकि ये सीजनल फीवर है और वायरल फीवर जब हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो इसकी एक टाइमिंग होती है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी ये देखा गया है कि हम दवाएं करते रहते हैं, बुखार कम होता है, उतर जाता है, ज्यादा फिर चढ़ता है, फिर लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये देखा गया है कि वायरल फीवर अपने टाइम फ्रिक्वेंसी पर अप डाउन करता रहता है। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में भी ये संभावनाएं हैं, चूंकि वायरल फीवर हम थर्मोस्टेट को रेगुलेट करने काम करते हैं, लेकिन बॉडी में चूंकि वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है विभिन्न अंगों में, तो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा पूरे बॉडी में घूमता रहता है तो उसमें टाइमिंग फ्रिक्वेंसी आ जाती है। इस नाते रोगी को आप सांत्वना दें और दवा देते रहें, डोज आप घटाते बढ़ाते रहें। पहले आप हाई डोज देंगे, ज़्यादा डोज दें अगर बुखार तेज है, और माथे पर WE और F1 और V1 की पट्टी भी कर दें। और अगर सीजनल फीवर आपको लगता है तो उसमें आप पी ग्रुप की मेडिसिन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पी ग्रुप की मेडिसिन पर जो चर्चा की है आप उसकी मदद ले सकते हैं। हीरामन भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, मुंह के छाले, नाक, कान, गाल और खुजली पर एक क्लास ले लें। जी बहुत अच्छा आपका सवाल है, चूंकि ये एलर्जी से संबंधित है और एलर्जी पर क्लास में बहुत जल्द लूंगा, एलर्जी के क्लास की बहुत जगह से डिमांड आई है तो मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। ताराचंद जी कह रहे हैं, EH के धंधेबाजों को आपने आईना दिखा दिया। ताराचंद जी, मैंने किसी को आईना नहीं दिखाया है, मैं स्वयं आईना देखता हूं, अपने चेहरे को रोज देखता हूं कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं स्वस्थ हूं, और आप लोगों के बीच आने से मैं वास्तव में बहुत स्वस्थ हूं। आईना जिन लोगों को मैंने, जो लोग ये समझते हैं कि मैंने उनको आईना दिखाया है, अगर मेरे आईना दिखाने से इलेक्ट्रोहोमोपैथी का कल्याण हो जाए, सब एक मंच पर अच्छी बात करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, ईगो पावर ना लाएं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी को केवल हवा में न उड़ाएं, बल्कि सत्यता के साथ, जैसे आप सबके जो रजिस्टर डाक से मेरे पास पत्र आते हैं, उन पत्रों में जो आपकी औषधियां होती हैं वो ये बात का प्रमाण होता है कि आपने रोगियों पे इसको अपनाया है। हमारे जो बड़े बड़े मंच सजाने वाले साथी हैं वो सिर्फ दावा करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके, पोस्टर लगा के, मैंने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन उसका यथार्थ नहीं दिखाते हैं। यथार्थ तो आप दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में। इस नाते अगर आपने इसको आईना समझा तो ये आपकी मेहरबानी है, बस इतना ही। मिस्टर नीरज कुमार कहते हैं, 450 ml की माप कैसे लेते हैं? नीरज जी, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। 450 ml आपके बीकर आते हैं मार्केट में, आप किसी भी साइंस के मेडिकल स्टोर से बीकर ले लें, 450 ml की बॉटल आती है, 450 ml के जार आते हैं, आप किसी से भी 450 ml नाप सकते हैं। मिस्टर रवि कांत जी कह रहे हैं, हार्निया में अगर C15 जोड़ दें तो क्या काम करेगा? जी हाँ, आप C15 जोड़ सकते हैं। C15 चूंकि अंदर बनने वाली गैस को भी कवर करेगा, साथ ही C15 आप इसमें दे सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल है PCOD पर मार्गदर्शन करें। PCOD पर मैं क्लास लूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। संजय यादव जी कह रहे हैं कि 445 ml में कितना RS मिला दें? संजय जी देखिए, आमतौर से अगर आप विशुद्ध डिस्टिल वाटर ले रहे हैं या बरसात के जल को आपने कलेक्ट किया है तो किसी भी RS की एक भी बूंद की जरूरत नहीं है। RS चूंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट है, अगर हम उसकी मात्रा ज्यादा कर देंगे तो वो जाके हमको साइड इफेक्ट ही देगी। इस नाते प्रयास करें कि 450 ml के बॉटल को पहले आप वॉश कर लें, वॉश करके उसको सुखा लें, फिर आप उसमें 15 से 20 ड्रॉप या 50 ड्रॉप आप मान लें बॉटल में RS डाल करके बॉटल को हिला दें ऊपर नीचे, और जब पूरा का पूरा बॉटल RS से धुल जाए तो उसके बाद आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए और फिर आप अपनी दवाइयां बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा हमारा डिस्टिल वाटर कमजोर है तो आप उसमें 5 से 10 ड्रॉप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहले आप केवल और केवल आप डिस्टिल वाटर को डालने से पहले बॉटल को RS से साफ कर लें। मुइन अहमद जी कहते हैं, आपकी बुक कैसे मिलेगी? मुइन अहमद जी, हमारी बुक बाई पोस्ट ऑफिस से जाती है, हमारे अकाउंट में, फोन पे नंबर में या अकाउंट नंबर में लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अपना पता भेजते हैं, पिन कोड भेजते हैं, मैं बुक उनके घर पोस्ट कर देता हूं। मेरी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका कोई PDF नहीं है, और ना ही मैंने इसको किसी बुक स्टॉल पर रखा है, और ना ही किसी एजेंसी को दे रखा है कि आप इसको सेल करें। मेरी ये अपनी प्रॉपर्टी है, मैं इसको अपने घर से ही आपकी डिमांड पर भेजता हूं, और आपकी डिमांड आएगी तो आपके घर भी पहुंच जाएगी। हमारा फोन पे नंबर है 9450563748, आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं और अपनी बुक अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मिस्टर
धर्मवीर गौर जी कह रहे हैं कि डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में D3 के बाद किसी भी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाएं अपना पूरा काम D3 पर ही करती हैं। मिस्टर अरुण श्रीवास्तव कह रहे हैं P4 के साथ क्या C13 मिलाया जा सकता है? जी हाँ, P4 के साथ C13 अगर आप मिलाते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन से संबंधित चूंकि लंग्स, ट्रेकिया, आपके ब्रोंकियोल, आपका नेजल, आपका ईयर, आपका थ्रोट, सब जगह म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस कारण से आप C13 का प्रयोग बाखूबी करिए और अच्छा परिणाम मिलेगा। मिस्टर जयंत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं P4, VAR1, S1 और G से इन्होंने कोरोना में बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। तो जयंत भट्टाचार्य जी, अगर आपको इस पर परिणाम मिले हैं अच्छे तो मेरी आपको बधाई है। प्रदीप सोनी जी कह रहे हैं वायरल फीवर पर, और जगदीश चौहान जी वायरल फीवर पर चर्चा चाहते हैं। अभी मैंने राय साहब के वायरल फीवर पर आपको जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि आप दोनों साथी हमारे उस जवाब से संतुष्ट होंगे, आप ऊपर के जवाब को कृपया मनन करें। प्रफुल्ल पंसूरिया जी कहते हैं CNS को ज्यादा डीप में बता दीजिए। प्रफुल्ल जी, CNS हमारी खुद की शोध की हुई, या ये कह लें कि मेरे खुद के शोध का एक कंपाउंड मेडिसिन का फॉर्म है, जिसमें हमने 3 फार्मूले बनाए हैं, CNS1, CNS2, CNS3, जिसमें पहले CNS में हमारा है S5, C5, F1, VEN1, L1, A3, दूसरे में S5 हटा के S1 है, और तीसरे में S5 हटा के P1 है। हमारा जो S5C5 का फार्मूला है, ये हमारे क्रॉनिक CNS कहलाता है, जिसमें हमने S1 डाल रखा है वो हमारा एक्यूट के लिए कहलाता है, और जिसमें हमने P1 डाल रखा है वो हमारा रनर के लिए कहलाता है। यानी इस समय के वायरल फीवर में अगर आपको CNS यूज करना है तो हमारा रनर CNS आपको यूज करना पड़ेगा। इन 6 दवाओं को मैंने बराबर अनुपात में मिला रखा है, और ये कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, गले के ऊपर के सारे पार्ट को ये कवर करती है, और रोगी को रोग से मेंटली अलग करने का कार्य करती है, यानी रोग से रोगी को दूर हटाती हैं, जिससे रोगी के अन्य औषधियां उसके शरीर पे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, रोगी मानसिक रूप से अपने रोग से परेशान ना रहे, और उसको अच्छी नींद आती है, अच्छी सोच समझ होती है। यही है डीप में बताना, और ज्यादा जानने के लिए आपके पास मेरी बुक अगर नहीं गई है तो कृपया मंगा लें और उसका अध्ययन कर लें। राजेश मेहरा जी कहते हैं कि एक बुक मेरी भी बुक कर लीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो राजेश मेहरा जी, मैंने आपको ऊपर अपना अकाउंट नंबर बताया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 9450563748 ये हमारा फोन पे नंबर है, आप इस पे भेज करके अपना एड्रेस हमको दे सकते हैं, और अगर आपको हमसे बात करनी है तो हमारे 9793252355 पर हमसे कॉल में बात भी कर सकते हैं। मिस्टर विजेंद्र मौर्या जी कहते हैं चेचक की दवा बता दें। विजेंद्र मौर्या जी, चेचक एक इन्फेक्शन देने वाला रोग है, और समाज में फैलने वाला रोग बड़ी तेजी से है, और ये एक सामयिक रोग है, हमें इस पर पूरा एक क्लास लेना है, आप इंतजार करें, क्योंकि अभी चेचक के बारे में कई लोगों की डिमांड आ चुकी, मैंने इसको नोट किया है, और बहुत जल्द संभवतः अगले सप्ताह में मैं चेचक पर चर्चा करूंगा। मिस्टर अजय निगम जी कह रहे हैं शरीर पर सूजन के बारे में बता दें। सूजन के संदर्भ में मैंने संभवतः क्लास लिया है, और उसको आप सर्च कर लें, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इस पर प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर दूं, या अगर किसी खास रोगी की चर्चा आपको करनी हो तो आप मेरे फोन कॉल नंबर पर फोन करके आप कर लें, क्योंकि यहां पर सूजन के बारे में या किसी रोग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करना ये संभव नहीं है, क्योंकि हम आपके सवाल और जवाब दे रहे हैं। मिस्टर अरविंद कुमार सिंह ये कह रहे हैं मदर टिंचर से ग्लोब्यूल या पोटेंसी कैसे बनाई जाती है, इस पर चर्चा कर लें। अरविंद कुमार जी, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी का चिकित्सक हूँ, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सक होने के नाते मैंने अपने 37 वर्ष में जो अनुभव लिए हैं मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर रमाशंकर जी का शिष्य रहा हूँ। डॉक्टर रमाशंकर जी ने मदर टिंचर को मानता नहीं दिया, हम D3 को मानता देते हैं, यानी रोगियों के लिए हम D3 से औषधियाँ आगे बढ़ाते हैं। मदर टिंचर नाम का कोई भी एक तरीके का लिटरेचर या मदर टिंचर जिसको आप कहते हैं वो हमारे चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत नहीं है, वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत हो सकता है, उसमें वो नाम हो सकता है। हमारे यहाँ D1, D2, D3 और D3 से हम ग्लोब्यूल्स भी बनाते हैं, D3 से हम डिस्टिल वाटर भी बनाते हैं। हम D3 से 5 ml मेडिसिन लेते हैं और 450 ग्राम
ग्लोबुल्स लेते हैं जिसमें हम 45 ml आरएस लेकर के मिक्स करके मिला करके गोली को हिला देते हैं और फिर पंखा चला के उसको आरएस को सुखा के उड़ा देते हैं, तो फिर हमारी केवल गोली में मेडिसिन रह जाती है। मिस्टर पटेल इलेक्ट्रोहोमोपैथ कहते हैं नशा मुक्त पर चर्चा करें, तो नशा मुक्त पर मैं जल्दी ही चर्चा करूंगा। प्रदीप सोनी जी का है 30 ml से 200 ml बनाएं, अगर रेशियो आप सही रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी रेशियो पर चलें। अनूप सरकार जी कहते हैं कि 450 में 5 ml मिलाएं या 445 में, तो अनूप सरकार जी 445 में 5 ml मिला दिए तो टोटल 450 हो जाएगा। तो आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज बस इतना ही, अगले इतवार को आपसे फिर मिलते हैं आपके अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।